नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा सीट नगीना पर एक ऐसे नेता का समर्थन मिल चुका है जो चंद्रशेखर आजाद के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद को खुला समर्थन एक मुस्लिम नेता का मिल चुका है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने नाम की और अपनी एक पहचान की दमक रखने वाले मुस्लिम नेता का चंद्रशेखर आजाद को खुला समर्थन मिल चुका है। आखिर वो कौन नेता और चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से समर्थन मिला है और चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम नेता के समर्थन के बाद किस तरीके से फायदा होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो को हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के पास पहुंचा दें। खासकर नगीना लोकसभा सीट की जो भी जनता देख रही है इस वीडियो को, वो मुझे आप कमेंट में ये बताएं कि नगीना लोकसभा सीट पर किस तरीके से आपका वोट और किस तरीके से किसको जा रहा है, ये मेरा आपसे सवाल रहेगा। फिलहाल अब वीडियो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से नामांकन कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं। नगीना लोकसभा की जनता के हर दुख सुख में चंद्रशेखर आजाद वर्तमान के समय में शामिल हो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने साफ दावा कर दिया कि नगीना लोकसभा सीट की सेवा मैं कुछ इस प्रकार करूंगा जैसे कि बेटा अपनी माँ की करता हो। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा की विधानसभा नगीना में यह वादा कर दिया था कि नगीना लोकसभा को मैं गोद ले लिया हूं और अपनी माँ की तरह नगीना लोकसभा की जनता की सेवा करूंगा, चाहे किस परिणाम कुछ भी रहे, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। यह चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा की जनता से कर दिया और चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों को जिस नेता से उम्मीद थी, उस नेता ने तो चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों को दिल दुखाई दिया और चंद्रशेखर आजाद का उस नेता ने साथ नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव इस तरीके से दलितों के नेताओं को गुमराह करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अखिलेश यादव जिस तरीके से दलित विरोधी सोच रखते हैं, वो भी आप सोच नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की सरकार में जिस तरीके से स्मारक बने, तमाम जिले महापुरुषों के नाम से बने, उन सभी तमाम ज्यादातर जिलों के नाम अखिलेश यादव ने बदले। चंद्रशेखर आजाद का हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फायदा लिया। खतौली का चुनाव सही, चाहे जो नगर निगम का चुनाव सही, पार्षद वगैरह का जो भी चुनाव सही, चंद्रशेखर आजाद का हर जगह पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फायदा लिया और जब साथ देने की बात आई तो अखिलेश यादव ने पीठ दिखा दी और चंद्रशेखर आजाद के सामने मनोज कुमार को मैदान में उतार दिया। आप सोच सकते हो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दलित नेताओं के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं। क्या आपको लगता है दलित नेताओं का दरकिनार करके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, आपको लगता है? आप अपनी राय कमेंट में दें। किस तरीके से आप देख रहे हो अखिलेश यादव की राजनीति करने के तरीके को, आप उनकी राजनीति सोच से क्या समझ पाए अब तक, ये सब मेरे कमेंट में जवाब दें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद के बारे में। इमरान मसूद को अभी वर्तमान में इंडिया अलायंस ने यानी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है सहारनपुर सीट से। लोकसभा का चुनाव इमरान मसूद लड़ रहे हैं, इमरान मसूद। मायावती ने भी उनको कई बार आशीर्वाद अपने हाथ से दे दिया, अपना उनके सर पे हाथ रख दिया है। तो इमरान मसूद मायावती के हाथ से जब आशीर्वाद अपने सिर पर हाथ रखवा सकते हैं, तो इमरान मसूद की पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पहचान और मजबूत पकड़ होगी, आप इससे समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भी अच्छा उनका रुतबा रहा है। अभी फिलहाल वो कांग्रेस में और एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर और एक अलग पहचान पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी है। मुस्लिम समाज को इमरान मसूद जिस ओर इशारा करते हैं, उस ओर मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हाल ही में जब से उनको प्रत्याशी कांग्रेस ने बना है, तब से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे एक साथी बहुजन मीडिया के SRD न्यूज से मनीष कुमार ने उनका इंटरव्यू लिया। मनीष कुमार ने जब पूछा कि आपका एक वीडियो काफी दिनों पहले वायरल हुआ था, उसमें इमरान मसूद कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद के लिए PDA यानी इंडिया अलायंस सीट छोड़ दे, पर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर भी इमरान मसूद चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आकर खुले इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े नेता हैं, ये इमरान मसूद खुद अपने एक इंटरव्यू और एक स्पेशल इंटरव्यू में कह रहे हैं। इमरान मसूद क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के लिए सीट नगीना लोकसभा सीट क्यों नहीं छोड़ी।
एक इंटरव्यू में देख रहा था, आपने कहा था कि चंद्रशेखर जी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन गठबंधन में उनको नहीं लिया है, इस पर क्या? देखिए, चंद्रशेखर निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अब गठबंधन का फैसला है तो गठबंधन पार्टी के साथ हमारा फैसला है, लेकिन चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता हैं। इमरान मसूद ने साफ कहा, इंडिया एयरलाइंस का फैसला है और मैं इंडिया एयरलाइंस के साथ हूं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पर चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े नेता हैं, पर चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े नेता हैं, ये इमरान मसूद पश्चिम उत्तर पश्चिम एक अपनी अलग धमक रखने वाले नेता मुस्लिम चेहरे ने कहा है, और उन्होंने कहा कि मैं खुद चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा फैन हूं। तो आप समझ सकते हो कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में मुस्लिम नेता इंडिया एयरलाइंस से हटके किस तरीके से उनका साथ देने को तैयार है। और नगीना लोकसभा सीट पर 52% मुस्लिम है और इमरान मसूद की धमक कहीं ना कहीं उन मुस्लिमों में ज़्यादा होगी, लगभग 50% मुस्लिमों में मानता हूँ, यानी 52% है, 100 के आंकड़े में तुलना करें तो 50% मुस्लिम इमरान मसूद को कहीं ना कहीं अपना एक नेता मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं। अगर इनका समर्थन मिलता है तो चंद्रशेखर आजाद को आधा मुस्लिम इमरान मसूद की वजह से मिल सकता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आगे कि अखिलेश यादव ने सीट क्यों नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने अभी एक घोषणा पत्र कार्यक्रम है टीवी चैनलों का, तो उस चैनलों में अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपने चंद्रशेखर आजाद के लिए भी सीट नहीं छोड़ी, हालांकि उनके पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये तमाम साथी, इनका पीडीएफ बिल्कुल फुस हो गया है, यानी कि पीडीएफ रहा नहीं है, पीडीएफ बिल्कुल खत्म हो गया। पीडीए में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी बची है, एक सोशल जस्टिस पार्टी थी वो भी साइड में हो गई, पल्लवी पटेल की पार्टी साइड में हो गई, जयंत चौधरी वो भी साइड में हो गए, तमाम ओम प्रकाश राजभर जैसे तमाम नेता अखिलेश यादव से दूरी बना चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसी इनकी सोच है, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, तो कहीं ना कहीं इस सब को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव से इन सभी ने दूरी बनाई है। फिलहाल आप इस पर क्या सोच रहे हो? फिलहाल हम बात बता देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि जितने भी हमारे दल थे उनसे हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, इसीलिए हमें चंद्रशेखर आजाद पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए हम चंद्रशेखर आजाद को अपने इंडिया अलायंस में, अपने पीडीए में नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की ये सोच लोकसभा में कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएगी, उनको हानि पहुंचाएगी? आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या समझ पाए, आप मुझे अपनी राय देना। और आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि बी मिशन टीवी मजबूत बने। और चंद्रशेखर आजाद नई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या माहौल लग रहा है? जो भी ऑडियंस है मुझे साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।